और अब बात करेंगे क्लीन स्वीप की तैयारी। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे मैच आज है इंदौर के होलकर स्टेडियम में। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। आज क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के सामने लाज बचाने की चुनौती है। क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में करीब 1500 जवान तैनात रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे मैच आज। ऐसे में आपको बताते चले कि भारत आज क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी भारत की टीम और इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे मैच की शुरुआत होगी। 3 मैचों में आपको बता दें कि मैचों की सीरीज में 2-0 से टीम इंडिया आगे है और आज क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। न्यूजीलैंड के सामने आज लाज बचाने की चुनौती है। तो क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा में करीब 1500 जवान तैनात रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, इंदौर में यह मुकाबला है, उसको लेकर तैयारियां पूरी। न्यूजीलैंड के सामने लाज बचाने की चुनौती है आज, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे मैच है और होलकर स्टेडियम में यह मुकाबला होगा, जहां आपको बता दें कि सीरीज में 2-0 से टीम इंडिया आगे है। ऐसे में क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, क्या कुछ जानकारी? टीम इंडिया क्लीन सिटी में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और क्लीन सिटी में आज क्लीन स्वीप के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। कुछ ही घंटों बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होने वाला, बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि यहां का जो मैच है उषा राजे होलकर स्टेडियम बैटिंग पिच माना जाता है, यानी चौके छक्कों की बौछार होगी। जब भी यहां जितने भी मैच हुए, 10 अंतरराष्ट्रीय बड़े मैच हुए, 10ों में एक बड़ा स्कोर देखने को मिला। लेकिन आज कुछ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। अगर विराट कोहली आज मैच खेलेंगे और उन्होंने अगर शतक लगाया तो 25,000 अंतरराष्ट्रीय मैच में उनके रन पूरे हो जाएंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद वो अंतरराष्ट्रीय दूसरे बड़े खिलाड़ी बनेंगे जिनके अंतरराष्ट्रीय मैच में 25,000 रन पूरे होंगे। वहीं अगर 23 साल में तीसरी बार न्यूजीलैंड अगर आज ये मैच हारेगा तो आज व्हाइट वॉश होगा, यानी 23 साल में तीसरी बार भारत उन्हें पूरी श्रृंखला हराने में कामयाब हो पाएगा। अब मैच के रोमांच की बात कर लेते हैं, तो इंदौर शहर में जब भी मैच होता है तो रोमांच दोगुना हो जाता है। कल भारतीय टीम के जो कोच राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा था कि इंदौर में मैच खेलना हर एक खिलाड़ी चाहता है, क्योंकि यहाँ का उत्साह कुछ अलग ही नजर आता है। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो थकते इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से जो प्रशंसक आते हैं वो लगातार चीयर्स करते हैं, यानी चौके छक्के में लगातार तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है और लोग पूरे समय उत्साह के साथ इस मैच को देखते हैं। और वैसे ही कुछ उत्साह इस वक्त उषा राजे होलकर स्टेडियम के बाहर नजर आ रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन ये जो इस वक्त आप तस्वीरों में भीड़ देख रहे हैं, ये सुबह 8 बजे की तस्वीर है। ये 8 बजे से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, मैच दोपहर से शुरू होना है, लेकिन ये जो भीड़ है ये सुबह से नजर आ रही है। लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और भारतीय टीम को चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं, कहाँ से कौन है, कहाँ से? बुरहानपुर से। बुरहानपुर से आए, कितने बजे पहुंच गए? सवेरे 8 बजे रोहित शर्मा को देखने के लिए। आज रोहित शर्मा दोहरा शतक बनाएगा, मतलब बनाएगा, मतलब रोहित शर्मा यहाँ एक बार दोहरा शतक बनेगा आज रोहित शर्मा का। हम बुरहानपुर से आए हैं, उम्मीद है कि रोहित का जो 3 साल का शतकों का सुखा है वो होलकर पे पूरा होगा और शतकों का डबल सेंचुरी जरूर बनेगी, चौथा शतक रोहित शर्मा जरूर लगाएगा। 360 सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बहुत बेस्ट प्लेयर है, हम गुना डिस्ट्रिक्ट से आए, सूर्य कुमार यादव को ही देखने आए, बहुत शानदार खिलाड़ी है, उसके उल्टे सीधे शॉट आपको फिर से देखने मिलेंगे आज। अच्छा, और ग्राउंड भी छोटा है, उल्टे सुलटे में सीधा स्टेडियम बाहर, बहुत बेहतरीन शॉट मारेगा आज वो, देखना उसके छक्के देखने लायक ही मिलेंगे आज सभी को। कहाँ से आए मैच? गुना डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी बिल्कुल। और अच्छा, इंदौर का मैच जो है दूर दूर से लोग देखने आते हैं, शायद यहाँ रन बहुत बनते हैं, स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत है और रन बहुत बनते हैं। आप कहाँ से? सर मैं आया हूँ छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि आज सबसे ज्यादा स्कोर कौन करने वाला है? सूर्य कुमार और विराट। अच्छा, आई एम फैन ऑफ विराट एंड सूर्य। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे या बैटिंग? पहले बल्लेबाजी। नहीं, पहले बल्लेबाज करे। पहले बल्लेबाजी। हाँ। 200 के ऊपर का कौन लगाएगा आज दोहरा शतक, किसका होने वाला है? आई थिंक विराट तो मारेंगे और सूर्य तो ऑल टाइम मतलब चलता ही है, वो तो अपने मतलब छक्कों से पूरा मैच में माहौल बना देता है, बिल्कुल मजा आ जाता है। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं का हूँ, इंदौर का हूँ। बहुत किसका कौन सा खिलाड़ी आज तक मिला? विराट कोहली सबसे ज्यादा। विराट कोहली आज 47 से रोहित रोहित रोहित
देखिए, और ये लोगों के चेहरों पे भी आप देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगा से रंगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। भैया, हम गुना डिस्ट्रिक्ट से आए और आज पूरा मैच का आनंद लेंगे, पूरे दोस्तों के साथ आए, और सबसे ज्यादा हम सूर्य कुमार यादव को देखने आए, पूरी टीम। सूर्य कुमार यादव, इस समय हर एक कोई खिलाड़ी को में अगर बड़ा नाम है तो सूर्य कुमार यादव। कुमार यादव, क्योंकि आज सब ज्यादा छक्के वही मारेंगे, रोहित शर्मा 360 आज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा छक्के छक्के मिलेंगे आज। अच्छा, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि आज मियां भाई मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे बोले, उमरान मलिक अगर खेलेगा तो बहुत अच्छे, उमरान मलिक के 5 विकेट लेंगे, बिल्कुल उमरान मलिक खेलेगा तो 155 की स्पीड से गेंद डालता है, बहुत अच्छा जम्मू एक्सप्रेस, बहुत अच्छा बोल्ड पे बोल्ड, आज विकेट टूटेंगे, बहुत शानदार क्रिकेट होगा। एक सवाल और है कि रजत पाटीदार को भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि रजत पाटीदार यहीं से खेलते हैं, होम ग्राउंड उनका, क्या उन्हें भी मैच खिलाया जा सकता है, क्या लगता है? बिल्कुल, बीसीसीआई को खिलाना चाहिए, 11वें 11 में रखना चाहिए, विराट रजत पाटीदार यहीं से हैं और रजत पाटीदार यहीं से बिलोंग करते हैं, उनको खिलाना चाहिए, बहुत अच्छी रहेगी, रजत पाटीदार अच्छा क्रिकेटर है और ऐसा नहीं है कि रजत पाटीदार कोई अच्छा नहीं, खिलाना चाहिए। हम अपने इंदौर के होम टाउन वाले नितिन मेनन सर को भी आज देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी आज इंदौर के होम टाउन में पहला अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग वाला मैच होगा। नितिन मेनन को देखने के लिए भी हम काफी उत्साहित हैं। और कुछ और लोग भी हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं? मैं इंदौर से ही हूँ। क्या लग रहा है कि आज किसका शतक होने वाला है? आज मुझे लग रहा है शुभमन गिल का फिर से एक शतक होगा, लास्ट टाइम तो न्यूजीलैंड ने बहुत कम स्कोर किया था, बट इस टाइम लग रहा है कि बहुत स्कोरिंग हाई स्कोरिंग वाला मैच होगा। भारतीय टीम में क्या स्कोर रहने वाला है? 300 प्लस ही होगा ऑब्वियसली, हमारा ग्राउंड थोड़ा छोटा है बट छक्के चौकों की बारिश होगी, छक्के की बारिश होगी। और देखिए, और ये उत्साह आपको नजर आएगा, और ये आपको मैं एक बार फिर से उत्साह के और सेलिब्रेशन की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जो एक्साइटमेंट है वो इस वक्त नजर आ रहा है। मैच शुरू होने के पहले जो क्रिकेट प्रशंसक है वो स्टेडियम के बाहर पहुंच चुके हैं और सुबह से यही नजारा है कि लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए, ये तस्वीर बताएंगे कि कितना इंतजार रहता है इंदौर में, जब भी मैच होने वाला रहता है यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। अब अच्छा, व्यवस्थाओं की हम बात कर लेते हैं, तो ये इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ मैं, ये जंजीर वाला चौराहा, इसे जंजीर वाला चौराहा कहते हैं, और ठीक इसी के पास उषा राजे होलकर स्टेडियम है, 1500 पुलिसकर्मी, यानी 1500 पुलिसकर्मी जो जवान है उनकी मौजूदगी में ये मैच होगा। महज कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड की टीम दोनों यहाँ पे पहुंचने वाली है। कल जब यहाँ पे भारतीय टीम अभ्यास कर रही थी तो हार्दिक पांड्या लगातार आक्रामक शॉट लगा रहे थे, जब वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो उन्होंने हर एक शॉट को स्टेडियम के बाहर पहुंचाया, यानी साफ रूपता की अगर आज मैच होगा तो आज बड़े शॉट लगाने के मूड में उतरेंगे हार्दिक पांड्या। और वहीं सुमन गिल भी कई घंटों तक उन्होंने नेट प्रैक्टिस किया, रजत पाटीदार भी कल मैदान में दिखे, और रजत पाटीदार को हालांकि अभी तक कयास लगाया जा रहा है कि शायद रजत पाटीदार इंदौर के रहने वाले हैं और उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। तो तमाम ये सब तस्वीरें इस वक्त हुसैन राजे होलकर स्टेडियम बाहर की, और ये तस्वीर सुबह 8 बजे की, और इंदौर में जब भी मैच होता है ऐसे ही उत्साह नजर आता है, और खासतौर पर इंदौर की अगर ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे चौके छक्के की बारिश होती है, इसलिए लोग दूर दराज से यहाँ पे मैच देखने को आते हैं। यहाँ पे लो स्कोर कभी भी देखने को नहीं मिलता, हाई स्कोरिंग देखने को यहाँ पे मिलती है। और यहाँ आज खेलेंगे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, तो तमाम जो बड़े स्टार हैं, सूर्य कुमार यादव, तो तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं आज यहाँ पे जब मैदान उतरेंगे तो देखना होगा कि आज किसका बल्ला चलता है, आज कौन सा खिलाड़ी शतक लगाता है, कौन सा खिलाड़ी दोहरा शतक लगा सकता है, क्योंकि दोहरा शतक लगाने के लिए ये जो ग्राउंड है उन बैट्समैन के लिए फेवरेट माना जाता है। कल विराट कोहली भी, माफ कीजिएगा, कल जो कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा था कि बल्लेबाज तो यहाँ पे खेलना चाहते हैं लेकिन जो बॉलर है वो घबराते हैं इंदौर में खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉलर की जम के पिटाई होती है, यानी ये पूरा जो पिच है वो बैटिंग पिच रहता है, इसलिए यहाँ का जो मैच है वो काफी रोमांचक होता है, दिलचस्प होता है। और इस वक्त उषा राजे होलकर स्टेडियम के बाहर मौजूद है और काफी ज्यादा इस वक्त सड़कों पर उत्साह नजर आ रहा है, बिल्कुल उत्साह से भरी तस्वीरें आपने दिखाई, काफी ज्यादा जो खेल प्रशंसक हैं वो उनका जोश हाई दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि आज स्कोर हाई जाने वाला है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार तस्वीरें जिस तरह से आ रही है वो हम देखते रहेंगे।